हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका रूबी के जहाँ रियल ब्लॉग में। तो देखिए, आज है 29 तारीख और आज है मेरे बेटे का रिजल्ट। तो हम लोग जा रहे हैं स्कूल रिजल्ट लेने के लिए। तो ये थे तो बोल रहे हैं चलो साथ में चलते हैं। तो देखिए रिजल्ट में क्या आता है। हम लोग आए थे आज रात के स्कूल में रिजल्ट लेने के लिए। तो ये मेरा बेटा पास हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं मिठाई लेने के लिए, क्योंकि टीचर लोग को मिठाई देना है। मेरा बेटा फर्स्ट आया है और ये इसका सब में A1 लेकर के आया है। तो टीचर लोग के लिए मिठाई लेने के लिए गए हैं। अभी हम लोग फिर से जाएंगे स्कूल में मिठाई देने सबको, क्योंकि कल से सबकी छुट्टी लग जाएगी। फिर 2 महीने बाद ही स्कूल खुलेगा, इस वजह से आज ही मिठाई दे देंगे टीचर लोग को। देखो मेरा भाई, मैं उमान, मैं उमान हूँ। ये है मेरे बेटे का रिजल्ट। तू मेरा बेटा नहीं है। तो देखिए टीचर लोग को मिठाई दे दिए हैं। मैं गई थी और सुफियान गया था। हम लोग मिठाई दे के अंदर से चले आए हैं। तो ये बाहर से मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ, क्योंकि अंदर काफ़ी गर्दी थी। तो मोबाइल निकालना अच्छा नहीं लगता है कि वीडियो बनाना, तो इस वजह से नहीं बनाई थी अंदर मैंने। तो मिठाई दे दी हूँ मैंने सबको और हम लोग जा रहे हैं घर पर। और आज ही मुझे नोमान का भी रिजल्ट लेना था, पर मुझे याद नहीं था। फिर हम लोग पहुँच गए थे घर पर डायरेक्ट। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट घर पे आ गए थे, फिर बुरखा निकालने जा रहे थे। फिर मुझे याद आया कि मतलब नुमान की भी टीचर का फ़ोन आया था कि आज ही मतलब आकर ले लो जल्दी, क्योंकि टीचर रहेगी नहीं, फिर चली जाएगी 12 बजे तक का। तो मैं फिर से लड़ाई के लड़के को लेकर के देखिए तालगोड़ा लेकर आई थी, तो मैं यहीं पर रख दी हूँ। और फिर से एक लड़के को लेकर मैं तुरंत ही फिर जा रही हूँ स्कूल नुमान के स्कूल में। और आज़ाद का रिज़ल्ट मैंने रख दी हूँ और थोड़ा बहुत मिठाई मतलब सामने हमारे कमांडो वाले रहते हैं उनको दे दूँगी, और नीचे ऑफिस में मतलब 2-4 जन हैं उनको दे दूँगी। तो दे दी हूँ मैंने। देने के बाद मैंने बुरखा निकाली ही नहीं हूँ, बस ऐसे ही फिर किचन में थोड़ा सा पानी पीने के लिए आ गई थी। फिर पानी नहीं पी मैंने क्योंकि मुँह खोलना पड़ता, इसकी वजह से। फिर वापस से मैं जा रही हूँ नीचे और उनको बता के जा रही हूँ कि अभी 2 मिनट में आ रही हूँ मैं, क्योंकि बाथरूम में चले गए थे इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी 2 मिनट के लिए। नहीं बोल के जाती थी फिर ये सोचते कहाँ। तो देखिए मैं घर पर आ गई हूँ, नुमान का रिज़ल्ट मिल गया है मुझे। और ये मेरा नुमान पूरा मिठाई का डिब्बा लेकर के बैठा हुआ है, खाएगा नहीं पर फिर भी लेके बैठा हुआ है, किसी को दे नहीं रहा है छूने। और एक एक अपने हाथ से उठा उठा के दे रहा है और गुस्सा कर रहा है कि ये सारा मेरा है, सारा मेरा है। तो इसका बस यही नाटक रहता है हमेशा। तो ये मैंने तालगोड़ा लेकर के आई थी, तो इसको ऐसे ही रख के चली गई थी। तो मैं जा रही इसको छिलके खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे यहाँ 100 रुपया दर्जन मिल रहा है, इसके पहले तो 15 रुपये का एक मिलता था, पर अभी ठीक है। देखिए स्कूल से आने के बाद फिर हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट किए, उसके बाद हम लोग ने खाना वाना खाए। उसके बाद मैं अपना लहंगा निकाल रही हूँ सिलने के लिए, क्योंकि बाहर मार्केट में 1000-1200 रुपये मांग रहे हैं और टाइम पे सिल के देने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हैं। तो मैंने सोची लाओ मैं अपने खुद से ही कटिंग करके बना लेती हूँ, 1000 रुपये भी बच जाएंगे। और खाना वगैरह सुबह हो ही चुका था जल्दी, तो टाइम बचा हुआ था। तो मैं अभी कटिंग कर ली हूँ, थोड़ा सा सिल ली हूँ, मैं आपको भी खाती हूँ। मैं खुद ही बना रही हूँ अपना लहंगा घर पे ही, देखिए कैसा बनेगा। काफ़ी दिन के बाद सिलने जा रही हूँ मैं। तो नुमान अभी सोया है, खाना वाना सब हमने खा लिए हैं और नीचे झाड़ू पोछा हो चुका है, बस किचन का सफाई बाकी है। वो अभी आएगी बाइक को करके जाएगी सब, तो मुझे थोड़ा फ्री टाइम है अभी। तो देखिए ब्लाउज मैंने कटिंग कर ली हूँ और काफ़ी बड़ा कपड़ा था, मतलब बहुत ही अच्छा था। अगर आप चाहते तो मतलब फुल भी बना सकते थे, पर मैंने ब्लाउज ही बनाई, पर लंबा ब्लाउज बनाई हूँ मैंने 16 इंच का, और आधा कंप्लीट हो गया है। और अभी 3:30 बज गए हैं, तो अभी मेरे हस्बैंड आए थे, हम लोग जा रहे खाना खाने के लिए, बोले खाना लाओ। तो बाथरूम में तो ये मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, तो ये मेरा ब्लाउज बन चुका है और बस सिर्फ साइड की सिलाई रह गई है। और ये लहंगा है, लहंगा नीचे इसके अंदर जो फॉर्म वगैरह होते हैं कैन सारा कुछ मैंने निकाल दी हूँ। इतने के लिए मतलब टेलर इतना पैसा भी मांग रहा था और टाइम से मुझे दे भी नहीं रहा था, बस आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगा है। और मेरा लहंगा और उसके ऊपर का ब्लाउज रेडी हो गया, बस थोड़ा सा और रह गया है। तो देखिए बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, बस अपना काम खुद हो जाता है। तो थोड़ा सा आलस करती हूँ मैं और सोचती हूँ कि नहीं हो पाएगा, चलो जान दो टेलर को ही दे देती हूँ, पर किसी टेलर ने नहीं लिया तो फिर वापस से मुझे ही करना पड़ा। तो हो गया है मेरा ये तैयार, और अभी मैं खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद जो बचा खुचा है उसको बस सिलूँगी अगर टाइम रहा तो।
तो देखिए अभी शाम हो गई है, शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अपना लहंगा सिल रही थी। मुझे ब्लाउज बनाते बनाते ही मेरे पास 6-7 सुई थी, सारी सुई टूट गई है स्टोन की वजह से, और फिर दोबारा सुई नहीं था मेरे पास, फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दी, कोई था भी नहीं लाने के लिए। और फिर उसके बाद मेरे यहाँ मेहमान भी आ गए थे, फिर उनको चाय नाश्ता कराई, फिर वो चले गए। उसके बाद से फिर मुझे भी थोड़ा आलस करने लगा, मैं भी थोड़ा सा ऐसे ही बैठ गई थी नुमान के अबू के साथ में, हम लोग थोड़ा ऐसी बातें बातें कर रहे थे। तो लहंगा तो मेरा अधूरा ही रह गया है, देखिए वहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है। तो फिर बाद में मैंने मीन से अभी सुई मंगाई हूँ, तो मुझे सुई ला करके दे के फिर गए हैं कहीं बाहर। तभी तो शाम को ये खाना पकाने का टाइम हो गया है, तो अब उसको मैं कल ही सिलूंगी। अब कल संडे है, देखिए कल कहीं जाना होता है या फिर कुछ और काम, अगर कुछ काम नहीं रहेगा तो कल सिलूंगी मैं। और तो देखिए इसमें सब कुछ बन चुका था, गला वगैरह सब कुछ मैंने बना ली थी, खाली ये साइड की सिलाई मारनी थी और मैंने ध्यान नहीं दी, मतलब हर बार मुझे लगा बस ऐसे ही हो जाएगा, पर ये एकदम मोटी वाली कड़क वाली स्टोन है, तो इस पर जा के मेरी 5-6-7 सुई टूट गई, एक भी सुई नहीं बची है। ये देखिए टूटी है सुई। और फिर बाद में अभी मतलब थोड़ा देर पहले, आधा घंटा पहले नाश्ता लेने के लिए गए थे, कुछ बोले थे बनाने के लिए, फिर बोले रहने तो मत बनाओ, गर्मी है, मैं बाहर से लेके आता हूँ, तो ये सुई लाकर मुझे दिए हैं। तो अभी तो टाइम हो गया है, शाम हो गई है, तो अभी नहीं बनाऊँगी मैं इसको, अब ये कल ही बनेगा। और ये देखिए मैंने सिंपल सा लटकन अभी के लिए लगा दी हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ये मेरे पास था पहले से ही, मैं लेके आई थी मार्केट से, आपको दिखाई थी मैंने, तो इसमें मैं कोई भारी वाला लटकन लगाऊंगी तो ये निकाल दूंगी मैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी रस्सी है और मुझे मतलब ब्लाउज में थोड़ा सा बड़ा ही गला चाहिए था, तो इस वजह से ये वाली जो डिज़ाइन है यहाँ से कट गई है, यहाँ पर पान के जैसा बना हुआ था इसमें वी शेप में, तो ये कट गया है और ये फूल यहाँ पे आ गया, क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा ही चाहिए। और ये जो नीचे वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा, ये ऐसे मुड़ेगा तो ये ऐसा आएगा, और इसमें शॉर्ट आस्तीन बनी है। तो ये जब मैं रेडी कर लूँगी फूल पूरा, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और तो अभी कोई है भी नहीं, सब चले गए हैं और शाम भी हो गई है, 7 बज रहे हैं। तो बाहर से आया था समोसा भजिया और वड़ा पाव, तो ये बचा हुआ है, ये नुमान खा रहा था। और कितनी सारी मिर्ची है इसके अंदर, देखिए चटनी नहीं दिए था दुकान वाले ने, सिर्फ मिर्ची दे दिया है। और आज मेरे बेटे का रिजल्ट था, वो फर्स्ट नंबर आया है इसका, और सेकेंड स्टैंडर्ड्स में है वो, तो फर्स्ट। तो देखिए मैं खाना बनाने जा रही थी, तो फिर मेहमान आ गए मेरे, हमीद ननद आ गई थी और उनका बेटा, तो उनको फिर चाय नाश्ता कराई, चाय नाश्ता करे थे और बात करते करते 8 बज गया है। तो इनको रोक रही थी मैं कि खाना वाना खा कर जाना, पर इन लोग नहीं रुक रहे थे क्योंकि इनको कहीं और भी जाना था, और तो ये लोग जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ इनको साथ में नीचे छोड़ने के लिए। मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं, उनको मैंने फ़ोन करके बुला ली थी कि बाजी आइए चले आओ घर पर, तो अभी नीचे हम इनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए 7 बजे, और उसके बाद फिर मेरे यहाँ मेहमान आ गए थे और मेरी ननद आई थी, उनके बेटे आए थे, तो फिर चाय नाश्ता ये सब करने में ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर अभी फिर से एक जन और मेहमान आ गए हैं, तो मैं सोची थी कुछ खिचड़ी वगैरह बना लूँगी तो छुट्टी मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम हो गया, 8:30 बज रहा था। तो अभी जब मेहमान आ गए उन दामाद लगेंगे मेरे, क्या कहते मेरी भतीजी के हस्बैंड हैं, तो फिर से मैं दाल चावल रखी और ये चिकन मंगाई हूँ, तो मैं चिकन को भुलाए नाश्ते का, इतने सारे बर्तन हो गए हैं, एक साइड चिकन बनते का दाल हो गया है, चावल भी हो गया है, और चावल हो रहा है बर्तन, चावल बनते हैं और दाल हो चुका है, ये चिकन बनता है। और जब तक मसाला पीस लेती हूँ मैं, तो जब तक चिकन भुनेगा तब तक बर्तन वगैरह सब साफ कर लूँगी, और बच्चे सब खेल रहे हैं वहाँ पर, और ज़्यादा टाइम हो गया कुछ सोचो और कुछ हो जाता है। और तो देखिए अभी 11:30 बज रहे, सब लोग ने खाना वगैरह खा लिए, जो मेहमान आए थे वो जा चुके हैं, और किचन वगैरह सब मैंने साफ़ कर ली हूँ ताकि सुबह कुछ ना करना पड़े, थोड़ा लेट तक सोऊंगी मैं, इस वजह से सब साफ़ करके रख ली हूँ। और टाइम ज़्यादा हो गया, अगर आज का ब्लॉग मुझे मेरा सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और
जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फुल वॉच करना, वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।